देश में कोरोना केसों की बात करें तो करीब 10,000 का इजाफा पिछले 24 घंटों में हुआ है। कुल आंकड़ा 2,26,770 तक पहुंच गया है। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 2,26,770 तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में करीब 10,000 मरीजों का इजाफा हुआ है। तो देश में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि पूरा देश कोरोना के खिलाफ लड़ाई जारी रखे हुए है। पिछले 24 घंटों में देश में 10,000 केस नए सामने आए हैं। 2,26,770 तक यह आंकड़ा पहुंच चुका है। कोरोना पर ज्यादा अपडेट के लिए बात करते हैं हमारे विशेष संवाददाता ललित नारायण कानपाल से। ललित जी, 10,000 का इजाफा हुआ है मरीजों में पिछले 24 घंटों में, आंकड़ा 2,25,000 के पार हो गया है। ये आंकड़े डराने वाले तो हैं, लेकिन हमारी लड़ाई का जज्बा कम नहीं होगा ललित? बिल्कुल, देखिए गोविंद, जज्बा तो कम होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर जज्बा कम हो गया तो फिर अपने आप में बड़ी परेशानी पैदा हो सकती है। लेकिन निश्चित तौर पर अब सरकार जिस तरह से लगातार कह रही है कि सभी राज्यों को जो है, कल दिल्ली के साथ जो समीक्षा बैठक हुई, उस समीक्षा बैठक से सरकार की आने वाली तैयारियों को लेकर जायजा लिया जा सकता है। सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से एग्रेसिव आपको टेस्टिंग करनी होगी, कॉन्टेक्ट सर्विलांस करना होगा, स्क्रीनिंग करनी होगी और इस विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। सबसे बड़ी बात यह है देवेंद्र कि 8 तारीख के बाद चुनौतियां और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि 8 तारीख के बाद एक और जहां धार्मिक स्थल खुलने जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर शॉपिंग मॉल भी खुलने जा रहे हैं। इसी के साथ रेस्टोरेंट के लिए भी परमिशन मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये अपने आप में बेहद गंभीर विषय है, जिसको लेकर की सरकार को अपने स्तर पर तैयारियों का जो जायजा है सभी राज्य ले तो रहे हैं, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि उस चीज को कैसे मेंटेन किया जाएगा एक पब्लिक के लेवल पर, ये अपने आप में सबसे बड़ी चिंता का विषय है। हम देख रहे हैं कि जब से अनलॉक वन हुआ है तब से चीजें एक तरह से ज्यादातर आम आदमी के हाथों में है और उसी को डिसाइड करना है कि उसे किन परिस्थितियों में एक तरह से रहना है, कि क्या वो कोरोना संक्रमण के साथ रहना चाहता है या फिर वो कोरोना से मुक्ति चाहता है। अगर वो कोरोना से मुक्ति चाहता है तो उसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। लगातार सरकार इस बात को इनकरेज कर रही है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, लेकिन बावजूद उसके हम देख रहे हैं कि लगातार बढ़ते मामले ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार की उस मुहिम में लोग साथ नहीं जुड़ रहे हैं फिलहाल, और जरूरत इस बात की है कि लोग जुड़ें और आने वाले समय में जब धार्मिक स्थल खुलेंगे, रेस्टोरेंट खुलेंगे, मॉल खुलेंगे, तो ये चुनौती और बढ़ने वाली है। ललित, बिल्कुल, चुनौतियों का सामना तो ये देश कर ही रहा है जब से कोरोना की दस्तक हुई है, लेकिन प्रयास किए जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे चलकर लड़ाई हिंदुस्तान जीतेगा और कोरोना की आखिर हार होगी। ये कामना हर व्यक्ति कर रहा है, प्रधानमंत्री तक ये उम्मीद कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ललित जी आपका।